दोस्तों, सरफराज खान के टेस्ट स्क्वाड में सेलेक्ट ना होने की बड़ी वजह आई सामने। बीसीसीआई ऑफिशियल ने खुद बताई इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि वेस्ट इंडीज दौरे के लिए भारत की टेस्ट और वनडे स्क्वाड अनाउंस हो चुकी है। वहीं जब भारत का टेस्ट स्क्वाड घोषित हुआ तो सबकी जबान पर यही सवाल था कि सरफराज खान का टेस्ट में क्यों नाम नहीं है, क्योंकि वो भारत के सबसे बेस्ट फर्स्ट क्लास बैट्समैन है, जहां एवरेज में डॉन ब्रैडमैन के बाद सरफराज खान का ही नाम आता है। तो फाइनली अब कुछ रीजन सामने आया है कि उनको टेस्ट स्क्वाड में सिलेक्ट क्यों नहीं किया गया। पहला रीजन ये बताया गया है कि उनकी फिटनेस लेवल टीम में खेलने के अकॉर्डिंग नहीं है। वहीं दूसरा रीजन ये बताया गया था कि जब उन्होंने एक फर्स्ट क्लास मैच में शतक लगाया था, तब उन्होंने उस समय के सिलेक्टर चेतन शर्मा के सामने अग्रेसिव सेलिब्रेशन किया था और ये चीज लोगों को काफी खराब लगी थी। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या सरफराज खान को भारत की टेस्ट टीम में मौका मिलना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।